हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वयं को डिस्कस करेंगे। इससे हमेशा क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, जो यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स के पेपर नंबर 1 में भी है और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट जो पेपर 2 है उसमें भी ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके, तो स्वयं जो है वो क्या है, कब लॉन्च हुआ था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका टैगलाइन क्या है, या एक कैसा प्लेटफॉर्म है, कई तरह के क्वेश्चंस पेपर में इसके ऊपर बनते हैं। तो जैसा आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है स्वयं शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो स्वयं की जो टैगलाइन है वो क्या है, एक शिक्षित भारत और उन्नत भारत इसकी टैगलाइन है। इसके ऊपर लिखा हुआ है या एक कैसा फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्वयं पर और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या बनता है। स्वयं इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मतलब स्वयं को MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जिसको हम कहते हैं। ओके, इसका डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, क्या क्या है, एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, इसको इसके क्या है, इनके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, पहुंच, इक्विटी, समानता और गुणवत्ता। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें आप देख लीजिए। ओके, तो स्वयं जो है एक एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो MHRD के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिजिटल ऑफ इंडिया भी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज लॉन्च ऑन 9 जुलाई 2017। इसको 9 जुलाई 1917 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फोटो, इट इज एन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, या एक कैसा प्लेटफॉर्म है, या एक भारतीय विशाल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, मतलब इसमें अनलिमिटेड कितने भी जो यूजर्स हैं वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा संख्या में इसको करते हैं, इसको वेब के द्वारा इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्वयं के जो है 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ई ट्यूटोरियल, की कंटेंट, डिस्कशन फॉर्म्स एंड फॉरम्स एंड असेसमेंट्स, इसके 3 इस पे भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि स्वयं के जो कंटेंट्स है या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्वयं के जो पार्ट्स हैं ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट्स एंड डिस्कशन फॉर्म एंड असेसमेंट्स होते हैं। ओके, तो स्वयं के बारे में थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। मैं आपको बीच में बता दूं कि BSI एकेडमी में ऑनलाइन कोर्स पर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप UGC नेट या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डिटेल कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिस पर हम आराम से घर बैठ के शांति से स्टडी कर सकें, कोई भी डाउट्स हो तो उनको क्लियर कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 सेट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हम डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और नेक्स्ट है कोर्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द स्वयं, स्वयं के स्वयं जो है वो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स और कौन कौन से कोर्सेज जो है वो स्वयं में चलते हैं। तो स्वयं के अंदर जो है वो स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब प्राइवेट या पत्राचार वाले कोर्सेज हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। तो स्वयं में जो कोर्स है वो 4 कैटेगरी के कोर्स हैं, स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन और PG लेवल के। अब क्वेश्चंस पेपर में ये पेपर भी क्वेश्चंस आया है कि स्वयं अंडर ग्रेजुएट किस तरह के कोर्स ऑफर करता है, किस तरह के कोर्सेज चलाता है। तो स्वयं स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्स स्वयं के अंदर चलते हैं। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर स्कूल एजुकेशन के कोर्स अवेलेबल होते हैं स्वयं के अंदर में, अंडर ग्रेजुएट कौन से इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, तो वो सारी चीजें तो इसके अंदर अवेलेबल है। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट सबको देखते हैं। स्कूल एजुकेशन जो है वो कोर्सेज कौन कराता है, NIOS,
और एनसीईआरटी, दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन कोर्सेज को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस टाइप के कोर्सेज स्कूल एजुकेशन के अंडर में चलते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब पत्राचार वाले या प्राइवेट कौन कौन सी बॉडी जो कोर्स कराती है वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, और NITTR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आप नोट कीजिए इस बात को कि स्वयं के अंदर स्कूल एजुकेशन की जो कोर्स है वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट कराती है, NIOS और NCERT, आउट ऑफ स्कूल में इग्नू और NITTR। नेक्स्ट देखते हैं अंडर ग्रेजुएट्स में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट कोर्स कराती हैं, AICT, NPTEL, CEC। इसका क्वेश्चन पेपर में आया है, CEC जो है वो किस किस तरह के उसके अंडर में, किस कैटेगरी के अंडर में आती है, तो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में CEC आती है और IIMB। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, CEC कंजोर्टियम फॉर द एजुकेशन कम्युनिकेशन, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इसके अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कोर्सेज के अंदर आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, AICT, NPTEL, IIMB और आपका UGC। UGC जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को कराती है, UGC और IIMB और आपका, तो इसके अंदर में तो जिस सारे क्वेश्चंस पेपर में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो AICT जो है, ऐसे जो इन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वो सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए एक इंस्टीट्यूट है। NPTEL है वो कैसा, इंजीनियरिंग कोर्स कराती है। अब जो क्वेश्चंस पेपर में जी भी सकता है कि NPTEL की इन इन सारे इंस्टीट्यूट्स की फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी इंस्टीट्यूट किस तरह के कोर्सेज कराती है और स्वयं के अंदर वो कौन सी कैटेगरी में है, तो मैंने आपको कई तरह से क्वेश्चन घुमा के, क्योंकि क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक तो वही है, टॉपिक चेंज तो होता नहीं है, टॉपिक स्वयं ही है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिर भी आप भूल जाते हो, तो इसलिए आप इनको देखो, क्योंकि एक एक नंबर से आपका यूजीसी नेट और आपका आपका जो नेट और एग्जाम रुक जाता है उसको आप कवर कर सकते हो। अब जो यूजीसी है उसके अंदर क्या होता है, यूजीसी के अंदर आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए होता है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज कराता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। सीसी जो है कंजोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए होता है, NCERT जो होता है फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, NIOS होता है वो स्कूल एजुकेशन के लिए, इग्नू जो होता है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, IIMB मैनेजमेंट स्टडी के लिए, और NITTR जो होता है वो टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं छोटे से इनको देखा, आप और डिटेल्स पूरा बहुत बड़ा PDF हमने पेड कोर्सेज में सारी चीजें बनाई हुई है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं कि सारी चीजें YouTube पे कवर नहीं हो सकती है, जो सारी चीजें इतना बड़ा सिलेबस UGC नेट का पेपर 1 और पेपर 2 का है, इनको पढ़े तो कौन कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े, इन सब चीजों को समराइज करके हमने छोटा सा प्यारा सा कोर्स बनाया। आप इसको रजिस्ट्रेशन करें और इसको घर बैठ के इन कोर्सेज की तैयारी, आज हमने स्वयं एक छोटे टॉपिक को देखा। अब पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वयं जो है वो क्या होता है, स्वयं कब लॉन्च हुआ था, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, किस तरह के कोर्स इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्वयं के अंदर कोर्स कराती हैं, तो कई सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और आगे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। किस तरह कोई कमेंट हो आप हमें कमेंट करके भेजिए, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे और हमारे जो टेलीग्राम उसमें जोड़ लेंगे, जिससे आप तैयारी UGC नेट सेट और GRF और PhD आप BSA एकेडमी के अंडर में कीजिए, हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, क्योंकि तीन फैकल्टी ने मिलकर पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, तीनों ही GRF हैं, तो आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।